ये कोई पहली बार नहीं है। मॉनसून में इस तरह की बीमारियां हमेशा फैलती हैं और हम सब इसके लिए तैयार भी रहते हैं कि जैसे ही ये मॉनसून का समय आता है मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत बिजी हो जाता है। इस बार जैसे हमने आपको बोला कि बहुत सारी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड घटनाएं हुई हैं, मौसम की बदमिजाजी हमने देखी है, कई जगह बाढ़ वगैरह भी आई है, तो उसके कारण इस बार आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है हर बार से इस बार में? देखिए, इस बार चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा देखने में आ रहे हैं साथ साथ, और आई फ्लू तो हो ही रहा है। आपने बहुत अच्छा किया आई के डॉक्टर को बुलाया। तो मैं यही कहूंगा लोगों से, हाइजीन का ख्याल हम रखें, और इसमें पीने के पानी को उसको सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक पीना है। उसमें ध्यान यही है कि पानी घर में सबके मिनरल वाटर नहीं यूज होता, नल होते हैं या सरकारी पानी होता है, टैप वाटर होता है, तो उसको हम उबाल सकते हैं। सबसे सेफ और सबसे पुराना तरीका है पानी को साफ करने का, उबाल कर अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसको, उसी को पानी को पिए, और बाहर का पानी पीना अवॉइड करें। कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि जो बॉटल्ड वाटर आ रहा है, जो बड़ी बॉटलों में आ रहा है, बॉटल्स में आ रहा है, वो भी साफ नहीं है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि जो भी पानी आप यूज कर रहे हैं उसको उबाल लें, उबाल लें, कम से कम 5 से 10 मिनट उबाल लें, और उसको फिर हाइजीनिक साफ सुथरी बॉटल्स में रख के उसको स्टोर करें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।